हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। इसको हम बहुत ही कम तेल में बनाएंगे आज। और यह रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है कि आप अगर एक बार इसको बना लोगे तो इसको बार बार बनाना पसंद करोगे। इतनी टेस्टी रेसिपी बनती है। चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और यह रेसिपी हम सूजी से बनाएंगे। यहाँ देखिए, मैं इस बाउल में 2 कटोरी सूजी ले लूँगी और इसमें 1 कटोरी हम दही डाल लेंगे। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे कटोरी को धोकर। दही और सूजी को अच्छे से हम मिला देंगे। और देखिए, हमारी सूजी थोड़ी सूखी सी है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर फिर से इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, इसको हमने अच्छे से मिला लिया है। देखिए, अच्छे से सूजी हम भीग गई है। अब इसको हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो इसको हम 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली। 1 टमाटर, 2 प्याज, हरी मिर्च और गाजर, इन सबको पहले हम काट लेते हैं। पहले हम प्याज को काट लेंगे बारीक बारीक। यहाँ देखिए, मैंने टमाटर को बीच में से काट लिया। अब जो ये टमाटर के बीच के हिस्सा है, जो बीज है, इसको हम अलग निकाल देंगे। इसका यूज नहीं करेंगे हम। और टमाटर को हम बारीक काट लेंगे। ये देखिए, ऐसे इसको हम निकाल देंगे। देखिए, इन सभी चीज़ों को हमने काट लिया है, टमाटर, प्याज। और देखिए, गाजर को मैंने यहाँ कद्दूकस किया है और हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। देखिए, हमने सूजी का बैटर ले लिया है। इसको भीगे हुए 5-10 मिनट हो गई है। देखिए, अच्छे से हमारी सूजी भी फूल गई है। अब जो हमने सामान काट कर रखा था वो इसमें हम डाल देंगे। पहले हम इसमें प्याज डाल देंगे, टमाटर डालेंगे, हरी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई गाजर। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अभी हमारा बैटर बहुत ही गाढ़ा लग रहा है, ये देखिए। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। ये देखिए, कटोरी से इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर से बैटर को मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर अब बनकर तैयार हो गया। देखिए, इसको हमें इतना गाढ़ा रखना है। ये देखिए, मैं आपको चम्मच से दिखा रही हूँ, इतना इसको हमें गाढ़ा रखना है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। अब इनको इसमें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अब देखिए, यहाँ मैंने एक और बर्तन ले लिया है, उसमें मैं इस बैटर को निकाल दूंगी। आधा बैटर हम इस बर्तन में निकाल देंगे और आधा इस दूसरे बर्तन में रख लेंगे। दोनों में हम हाफ हाफ कर देंगे। अब देखिए, आधा बैटर मैंने एक बर्तन में निकाल लिया और आधा इसी बर्तन में रहने दिया है। हम एक बैटर को अलग रख देंगे और देखिए, एक में ये 1/2 चम्मच से भी हाफ इसमें इनो डाल देंगे। और देखिए, इनो पे थोड़ा पानी डालकर इसको, इनो को अच्छे से इसमें हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इसमें हमने मिक्स कर दिया है। और देखिए, मैंने एक बर्तन ले लिया है। आप चाहो तो कोई थाली भी ले सकते हो, या कटोरियों में भी इनको डालकर आप बना सकते हो, गिलास में डालकर इनको बना सकते हो। ये मेरे पास बर्तन था तो मैंने ये ले लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से हम इसमें फैला देंगे। इस बर्तन में हम बैटर डाल देंगे, जिसमें हमने इनो डाली थी वो वाला बैटर इसमें हम डाल देंगे। और इस बैटर को अच्छे से पूरे बर्तन में फैला देंगे। देखिए, अच्छे से बर्तन में पूरी तरह फैला देना है। देखिए, मैंने एक कढ़ाई में पानी डालकर और उसमें एक स्टैंड रख दिया है। पहले ये देखिए, पानी अच्छे से उबल गया है। अब इस बर्तन को इसमें हम रख देंगे। ये देखिए, स्टीम करने के लिए रख देंगे और 5 मिनट तक इसको स्टीम होने देंगे। इसको एक थाली से हम ढक देंगे। अब इसको 5 मिनट स्टीम होने देंगे। यहाँ देखिए, एक प्लेट ले ली है और इसमें हम आलू डालेंगे। ये देखिए,
मैंने पहले आलू उबाल कर रख लिए थे। देखिए अब आलू को इसमें हम रख देंगे, सारे आलू को अच्छे से पहले हम तोड़ लेंगे। ये देखिए ऐसे आप हाथ से या किसी भी चीज़ से इनको अच्छे से तोड़ सकते हो, चम्मच से फोक से, तो इनको हम तोड़ लेंगे। अब ये देखिए सारे आलू को हमने अच्छे से तोड़ लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, ऐसे इसमें हम कॉर्न डाल देंगे। ये देखिए उबले हुए कॉर्न है, कटी हुई गाजर, इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम दूसरा बैटर ले लेंगे जो हमने अलग निकाल के रखा था, और इसमें भी हम थोड़ी सी इनो डाल देंगे, और इस पे भी थोड़ा सा देखिए ऐसे चम्मच से पानी डालेंगे और इसको इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए इसको रखे हुए 5-10 मिनट हो गई है, इसको हम हटा लेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी अच्छे से फूल गई है। आलू का और सब्जियों का जो पेस्ट बना के रखा था वो इस पर हम डाल देंगे। ये देखिए पूरे पर इस पे हमें अच्छे से फैला देना है। अब देखिए पूरे पर हमने पेस्ट को अच्छे से फैला दिया है। ये देखिए अब हम बैटर लेंगे जो हमने निकाल के रखा था वो इस पर हम डाल देंगे और अच्छे से पूरे पर हम फैला देंगे। ये देखिए चम्मच से अच्छे से हमें पूरे पर फैला देना है। ये देखिए पूरा बैटर हमने इसके ऊपर फैला दिया है। इस पर हम थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर छिड़क देंगे। ये देखिए ऑप्शनल है, आप छिड़कना चाहो तो छिड़क सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। अब इसको हम 20 से 25 मिनट तक ढक कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से भाप में पक जाए। हमें 20 से 25 मिनट हो गया है। देखिए आप ढक्कन हटाकर देखते हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे से देखिए फूल गया है और ये पक गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसको निकाल लिया है और इसको पहले ठंडा कर लिया है। इसको पहले हमें ठंडा करना है, फिर ये आसानी से निकल जाता है। तो देखिए यहाँ मैंने एक चक्कू ले लिया है और चक्कू से किनारी पर देखिए ऐसे चक्कू से इसको हम छुटा लेंगे। ये देखिए ये तो अपने आप ही उतर रहा है। ये देखिए इतनी आसानी से उतर रहा है। अब इसको हम पलट कर इसको उतार लेंगे। एक पलेट ले लेंगे और उसमें हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया और देखिए कितना अच्छा बना है और ये पक भी अच्छे से गया है। अब इसके हम चक्कू से पीसेज काट लेंगे। इसके पीसेज काट लिए और ये देखिए कितना अच्छा बना है और देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। एक हम फ्राई पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। उसमें एक चम्मच राई डाल देंगे, बीच में से कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हमने पीसेज काट के रखे थे वो इसमें रख देंगे और उनको दोनों तरफ से हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इसमें रख लिया है और दोनों तरफ से इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ भी पलट कर लेंगे फ्राई इनको। ये देखिए दोनों तरफ से फ्राई कर लिया, अब इनको हम निकाल लेंगे। हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। देखिए दोस्तों हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसको आप सॉस के साथ, चटनी के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। अगर आप एक बार इसको खाओगे तो बार बार बनाना पसंद करोगे। तो दोस्तों एक बार आप भी जरूर इसको ट्राई करके देखना, बनाकर देखना, आपको यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नाश्ता टेस्टी के साथ हेल्दी भी है। और देखिए इसको अब मैं तोड़कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अंदर से भी सॉफ्ट बना है। ये देखिए यह बहुत ही टेस्टी बनता है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल होममेड रेसिपी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फैमिली में और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए।